नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम BSc पार्ट थर्ड के पोटनी पेपर थर्ड के अंतर्गत सेल थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी एंड प्लूरीपोटेंसी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले द सेल। जैसा कि हम जानते हैं सभी जने कि जो सजीव होते हैं उनकी जो मुख्य संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है वह एक सेल है, अर्थात कोशिका होती है। ठीक है, इस चीज़ से हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। अब हम यहाँ इस पेपर के अंतर्गत जो बात कर रहे हैं, हमारा मुख्य जो फोकस है वो प्लांट सेल पर रहेगा। अब हम वापस चलते हैं इतिहास की तरफ कि कोशिका का इतिहास क्या रहा है। जो हम वर्तमान में कोशिका के बारे में जानते हैं, यहाँ तक हम किस तरह से पहुँचे, उसकी प्रीवियस स्टडी को समझते हैं। सबसे पहले जो सेल वर्ड दिया गया यह है रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया, जो उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में 1665 के अंदर है जो मेंशन किया गया। रॉबर्ट हुक ने जिसे सेल कहा, उसमें जो उन्होंने कॉर्क की स्लाइस काट करके और स्वयं द्वारा निर्मित माइक्रोस्कोप के अंतर्गत जब उस स्लाइस को देखा, तो उन्होंने देखा जो कॉर्क की स्लाइस है उसके अंतर्गत उन्हें कई सारे चैम्बर नज़र आ रहे हैं। उस चैम्बर को उन्होंने सेलुली कहा, जिसे आज हम सेल कहते हैं। लेकिन वास्तव में जो उन्होंने कॉर्क देखा, वो कॉर्क तो बार्क होती है कॉर्कस की, ठीक है ना। उन्होंने जो वास्तव में जो देखा था चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, वो सेल नहीं होकर के सेल की सेल वाल थी, क्योंकि कॉर्क है जो मृत कोशिकाएं होती है, तो उनके अंतर्गत है तो लिविंग कंटेंट तो था कोशिकाओं का, और तो मृत हो चुका था, और उनको जो कोष्ठक लाइक या चैम्बर लाइक जो अपन बोलते संरचनाएँ दिखाई दे रही थी वो क्या था, कोशिका भित्तियां थी। इसके पश्चात एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने विभिन्न प्रकार के जीव जो जिन्हें बोलते हैं स्विमिंग क्रीचर्स, जैसे प्रोटोजोआंस है, स्पर्म्स है आदि विभिन्न प्रकार के, इन सब को जो स्विमिंग क्रीचर्स के स्विमिंग नेचर्स के जो क्रीचर्स हैं उनको उन्होंने क्या नाम दिया, एनिमल प्लस। इन 1682 नेहमिया ग्रू ने अपने शोध को, अपने कार्य को दो वॉल्यूम में प्रकाशित किया, जिनका टाइटल था माइक्रोस्कोपिक प्लांट एनाटॉमी। ये जो उनका ग्रंथ है या जो प्रकाशन था, यह सेल थ्योरी का है, जो सेल थ्योरी के लिए मुख्य आधार स्तंभ साबित हुआ। उसके पश्चात कई वैज्ञानिकों द्वारा कोशिका के संदर्भ में अनुसंधान जारी रखा गया, लेकिन धीरे धीरे ज्यों तकनीकी का विकास हुआ उसके साथ साथ इस क्षेत्र के कार्य में प्रगति हुई, एवं मुख्यतः जो इस क्षेत्र में प्रगति हुई वह 19वीं शताब्दी के अंतर्गत हुई, जिसके अंतर्गत रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंतर्गत कोशिका में स्थित केंद्र की खोज की, जो उन्होंने ऑर्किड्स की रूट्स के अंतर्गत देखा। वहीं जोहान्स फ्रुकिंजे हैं, उन्होंने कोशिका के अंतर्गत मौजूद
लिविंग कंटेंट यानी जीवित द्रव्य को उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। एमजे स्लाइडेन जो कि एक वनस्पतिज्ञ थे ने उन्होंने 1838 के अंतर्गत यह बताया कि ऑल प्लांट्स वर कंपोज्ड ऑफ सेल्स यानी सारे जो पौधे हैं वह कोशिकाओं से निर्मित है। इसी प्रकार से 1839 में टी स्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे ने यह बताया कि ऑल एनिमल्स वर आल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल्स यानी सारे जो जंतु हैं वो भी कोशिकाओं से निर्मित हैं। इस प्रकार से इन दोनों की स्टडी स्लाइडेन और स्वान की दोनों की स्टडी है जो कंबाइन करके उन्होंने जो अपना ओपिनियन दिया उसको हम आज सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं जो 1839 में इन दोनों के साझा प्रयासों से संभव हुई। और ये जो उनकी सेल थ्योरी थी यह आज कोशिका के इतिहास को समझने में हमें बहुत मदद करती है। साथ ही साथ सेल थ्योरी के विकास के फलस्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई और वैज्ञानिकों द्वारा सजीवों के संगठन उनकी कोशिकाओं की प्रकृति इत्यादि के बारे में समझने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई। ये जो सेल थ्योरी दी गई इनके द्वारा ये उनके महत्वपूर्ण एक पेपर में इसका प्रकाशन हुआ जिसका नाम है माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस ऑन द सिमिलरिटीज ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हम पढ़ते हैं जी कि स्लाइडेन स्वान द्वारा 1839 के अंतर्गत जो कोशिका सिद्धांत दिया गया उस कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें क्या थी। सबसे पहली बात है कि कोशिका ही सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। समस्त सजीव यहां पर जंतु और पादप दोनों की बात हो रही है कि उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका। दूसरी बात है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। ये जो बात कही गई है ये 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने एक अपनी स्टडी के फलस्वरूप एक लैटिन फ्रेज में कहा था कि ओमनिस सेलुला ए सेलुला अर्थात नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। तीसरी बात है वह सभी कोशिकाएं रासायनिक संगठन एवं उपापचय में आधारभूत रूप से समान होती है। और चौथी बात है कि सभी सजीव कोशिका एवं कोशिकीय घटकों की परस्पर अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप ही क्रियाशील रहते हैं। जो एक कोशिका है वो किस प्रकार से एक जीव की तरह व्यवहार करती है यह उस कोशिका के अंतर्गत मौजूद कोशिकाएं एवं उसके अंतर्गत मौजूद कोशिकीय अंतर्वस्तुओं की परस्पर अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप है जो निर्भर करता है। अर्थात कोई कोशिका क्रियाशील है यह उसके कोशिकांग या उसके अंतर्वस्तुओं की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। अब सारी जीव जो होते हैं वो क्या सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं या नहीं, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कुछ ऐसे जीव हैं जो कि इस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं लेकिन वो है जो जीव की भांति भी व्यवहार करते हैं। तो इसके अपवादों के अंतर्गत हम सबसे पहले जाना माना उदाहरण लेते हैं वायरस, जिसको हम सभी लोग जानते हैं कि वायरस सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की युद्ध कड़ी है। तो वायरस क्योंकि वो एक क्रिस्टलीय प्रकृति का होता है तो निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, इसलिए जबकि वो लिविंग सेल्स के अंतर्गत होस्ट के अंतर्गत वो सजीव की भांति व्यवहार करता है, इसलिए वायरस जो है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। इसी तरह से वायरॉइड्स, वायरसॉइड्स, प्रियॉन्स जो कि प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं संक्रमण करते हैं,
और सिनोसिटिक एल्गा एंड फंगस। सिनोसिटिक का मतलब है ये जो एल्गा और फंगस होती है इनके अंदर हमें बेसिक टिपिकल कोशिका की संरचना देखने को नहीं मिलती है, बल्कि जो आपको संरचना दिखाई दे रही है वो है जो संकेंद्री कवक जाल होता है, एक ही लंबी कोशिका के अंदर आपको बहुत सारे है जो केंद्र देखने को मिलते हैं। इस तरह की कंडीशन को हम संकेंद्री या सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। जो कि आप है जो एल्गा के अंदर बात करें तो वो चिड़िया, और फंगस के अंदर बात करोगे तो जो आपका ये राइजोपस वगैरह इत्यादि जो प्रिमिटिव फंगस है उनके अंतर्गत, हमें जो लोअर लोअर क्लास की जो फंगस है उनके अंतर्गत इस प्रकार का सिनोसिटिक माइसिलियम हमें देखने को मिलता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार की या अर्थात पांचों प्रकार की जो कैटेगरीज है, वायरस, वायरोइड्स, वायरोसोइड्स, प्रियॉन्स एंड सिनोसिटिक एल्गा एंड फंगस, ये सारे हैं जो कोशिकीय सिद्धांत के अपवाद है। अब हम बात करते हैं कोशिकीय पूर्ण सत्तता। जैसा कि नाम से हमें आभास हो रहा है कि कोशिका है वो अपने आप में पूर्ण शक्ति रखती है, अर्थात उसके अंतर्गत पूर्ण सत्तता की क्षमता है। तो कोशिकीय जो पूर्ण सत्तता शब्द है इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया सॉरी हाँ शब्द का प्रयोग किया वो हेबरलैंड ने 1902 में किया। कोशिकीय पूर्ण सत्ता वास्तव में क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोशिका की खुद के अंदर एक पूर्ण शक्ति है। क्या पूर्ण शक्ति है? पूर्ण शक्ति ये है कि एक जीवित केंद्रक युक्त कोशिका में विभेदन द्वारा संपूर्ण जीव या उसके किसी भाग के पुनर्निर्माण की क्षमता को कोशिकीय पूर्ण सत्तता कहते हैं। यानी उस कोशिका के अंदर इतनी क्षमता है उसके अंदर नहीं दे कि वो अकेली कोशिका एक संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है, अथवा ये एक सिंगल कोशिका जीव के किसी अंग का निर्माण कर सकती है। कोशिकीय पूर्ण सत्तता अगर अपन बात कहें तो ये वास्तव में विभेदन प्रक्रिया की उत्क्रमणीयता का परिणाम है। यानी जो कोशिका विभेदित हो चुकी है वो वापस रिवर्स पुनर्विभेदित हो जाती है, और पुनर्विभेदित होकर के विभाजन तक के द्वारा वापस है जो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से कोशिकीय पूर्ण सत्ता हम ये कह सकते हैं कि ये विभेदन प्रक्रिया की उत्क्रमणीयता का परिणाम है। इसलिए यह जो जनरली जो अपन बात करते हैं कोशिकीय पूर्ण सत्ता की बात, यह है जो हमें पादपों के संदर्भ में यथार्थ लगती है। पादप कोशिकाएं पूर्ण सत्त होती है, अर्थात एक एकल कोशिका एक सिंगल सेल के अंदर यह क्षमता होती है कि वो अकेले अपने स्तर पर एक नया पादप का निर्माण कर सकती है। अब कोशिकाएं पूर्ण सत्त होती है, एक अकेली कोशिका एक संपूर्ण पादप का निर्माण कर सकती है। इस बात को हम स्टीवर्ड के प्रयोग द्वारा समझते हैं। स्टीवर्ड ने गाजर की मूल की कोशिकाओं को लिया और उसने गाजर को लेकर के उसको काटा, टीएस काटा। टीएस काटने के बाद में आप देख रहे हैं कि उसने है जो गाजर की मूल की जो द्वितीयक फ्लोएम कोशिकाएं हैं उनके है जो पीसीज लिए और उनको एक्सप्लांट के रूप में संवर्धन माध्यम के अंतर्गत सस्पेंशन निलंबन संवर्धन प्राप्त किया। ठीक है, और ये जो सारी कोशिकाएं हैं ये बाद में है जो वृद्धि कर विभाजित होकर के एक समान कोशिकाओं का समूह बनाती है, और ये कोशिकाओं का समूह बाद में धीरे धीरे भ्रूणाभ में वृद्धि करता है, जिसके अंतर्गत आप नीचे की तरफ आप देख रहे हो उसमें भ्रूणाभ में रूट भी पाई जाती है, और ये भ्रूणाभ बाद में वृद्धि हार्मोन के प्रभाव के फलस्वरूप है जो पर्रो विकसित करता है, जिसके फलस्वरूप आप देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंतर्गत ये भ्रूणाभ किसमें विकसित हो गया, एक पादपक यानी प्लांटलेट के अंतर्गत विकसित हो गया। और इसी प्लांटलेट को अपन जब एक पोर्ट में ट्रांसफर करते हैं तो ये है जो प्लांटलेट एक प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से स्टीवर्ड ने ये अपने प्रयोग के द्वारा गाजर की मूल को लेकर के संवर्धन के द्वारा मूल की को द्वितीय फ्लोएम की कोशिकाओं से एक संपूर्ण गाजर के प्लांट का जो है जो विकास किया, यह इस बात का प्रमाण है कि एक सिंगल कोशिका से एक
पूर्ण पादप का निर्माण हो सकता है। ठीक है ना, इस बात को या जो अपन कहते हैं कोशिकीय पूर्ण सत्ता। अब स्टीवर्ड का जो प्रयोग था इसको अपन संक्षिप्त में वापस दे सकते हैं कि इसने उन्होंने क्या किया, गाजर के मूल संवर्धन से गाजर का पूर्ण पादप विकसित किया और परिपक्व कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में वृद्धि रखा तो वे पूर्ण पादप बनाने में सक्षम होती है। वहीं इन्होंने जो गाजर के द्वितीय फ्लोएम को इन्होंने एक्सप्लांट के रूप में प्रयोग कर निलंबन संवर्धन द्वारा भ्रूणाभ विकसित किए, जो भ्रूणाभ है जो बाद में परिपक्व होने पर गाजर के नए पादपों में विकसित होते हैं। अब यहाँ पर तो हमने कोशिकीय पूर्ण सत्ता पढ़ा था, अब जो नया इससे आगे स्टेप है वो है कोशिकीय बहुसत्ता। ठीक है ना, अब थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। पूर्ण सत्ता से आशय है कि एक कोशिका पूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। कोशिकीय बहुसत्ता का मतलब है कि वो बहुशक्ति यानी एक कोशिका कई प्रकार की कोशिकाएं बना सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो है जो एक पूर्ण जीव का निर्माण कर सके। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि कोशिकीय बहुसत्ता की जब हम बात करते हैं तो विशेषकर हमारा इसका ध्यान अटेंशन होता है सजीवों के अंतर्गत, पादपों में नहीं, सॉरी अपने जंतुओं के अंतर्गत बात कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले जब बात करते हैं कोशिकीय बहुसत्ता की तो इसके अंतर्गत हम जंतु उत्को की बात करते हैं तो जंतु में उत्तक संवर्धन का कार्य पादपों की तुलना में बहुत ही कम हुआ और उनके पश्चात प्रारंभ हुआ है। तो सबसे पहले 1903 में जोली ने जो जंतुओं में उत्तक संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए, उन्होंने जो इसमें काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की। उसके बाद में 1907 में रोज हैरिसन एवं 1912 में एलेक्सिस कारेल ने पात्र संवर्धन माध्यम में मेडक के उत्तकों का संवर्धन प्राप्त किया। उन्होंने असमांगी उत्तक जिनको प्राथमिक उत्तक कहते हैं से विलगित उत्तक प्राप्त किए और उनका वापस पुनः पात्र संवर्धन किया तो उन्होंने उससे जो कोशिकाएं प्राप्त हुई, ठीक है ना, असमांगी उत्तक से जो अलग प्रकार के उत्तक प्राप्त हुए उनसे वापस ग्रोथ करवाया, ग्रोथ कराने के बाद उनको जो कोशिकाएं प्राप्त हुई वो स्टेम कोशिकाएं। अब ये जो स्टेम कोशिकाएं होती है ये पूर्ण शक्त अथवा बहुशक्त होती है। पूर्ण शक्त से मतलब है अगर स्टेम कोशिका एक सिंगल स्टेम कोशिका पूर्ण जीव का निर्माण कर दें, जिस तरह से हमने पादपों में पढ़ा था कि पूर्ण शक्ता टोटिपोटेंसी, तो हम पूर्ण शक्त स्टेम कोशिका कहेंगे उसको। अगर वो कोशिका पूर्ण जीव का निर्माण नहीं करके एक स्टेम कोशिका कई प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सकती है तो इसे हम स्टेम कोशिकाओं को बहुशक्त स्टेम कोशिका कहेंगे। और जो बहुशक्तता है उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टेम कोशिका जिनमें एक से अधिक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभेदन होने की क्षमता पाई जाती है, तो कोशिका का यही गुण बहुशक्तता कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो मानव शरीर के अंतर्गत बोन मैरो जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं में स्थित हेमेटोपोएटिक स्टेम कोशिकाएं है जो बहुशक्तता की घटना को प्रदर्शित करती है। यानी जो ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो बोन मैरो में पाई जाती है इनके अंतर्गत बहुशक्तता पाई जाती है, ये कोशिकाएं बहुशक्त होती है। अर्थात ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स इरिथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, मैक्रोफेजेस आदि प्रकार की रक्त कणिकाओं का निर्माण करने में सक्षम होती है। अब अपन देखते हैं कि जिस प्रकार से अपन ने बात की जंतुओं के अंदर जो स्टेम कोशिकाएं होती है वह बहुशक्त होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमने बात बोली कि स्टेम कोशिकाएं पूर्ण शक्त अथवा बहुशक्त होती है तो पूर्ण शक्तता का हमें बहुत ही कम ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। सिर्फ एक बात है कि युग्मज है वह एक सिंगल कोशिका होती है, उसको अगर आप मानते हो कि स्टेम कोशिका है तो युग्मज के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो है जो एक सिंगल कोशिका एक पूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है। थैंक्स।